इन्फिनिक्स ने भारत में इन्फिनिक्स नोट 40 रेसिंग एडिशन फोन लॉन्च किए हैं। नए फोन में कंपनी ने F1 प्रेरित डिजाइन दिया है, जिसके लिए कंपनी ने BMW के डिजाइन वर्क्स के साथ भागीदारी की है। स्मार्टफोन में समान स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओरिजिनल मॉडल में दिए गए हैं। इसमें MediaTek Dimensity 7020 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ में 12GB रैम की पेयरिंग मिलती है। फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। इसमें 100W फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है और 20 वाट वायरलेस चार्जिंग भी है। तो दोस्तों, चलिए इस फोन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इस फोन में क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो रेसिंग एडिशन को कंपनी ने 8GB रैम 256GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में उतारा है, जिसकी कीमत 15,999 रुपए है। वहीं नोट 40 प्रो प्लस रेसिंग एडिशन का 12GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 18,999 रुपए है। ये कीमतें बैंक डिस्काउंट ऑफर समेत बताई गई हैं। ऑफर्स का खुलासा अभी नहीं किया गया है। स्मार्टफोन्स को 26 अगस्त से फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो रेसिंग एडिशन और नोट 40 प्रो प्लस रेसिंग एडिशन में ओरिजिनल मॉडल्स के जैसे ही स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। फोन में 6.78 इंच का कर्व्ड LTPS एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स की है। डिस्प्ले बजट प्राइस में काफी बढ़िया दिया गया है। डिस्प्ले काफी स्मूथ मिलेगी और पीक ब्राइटनेस भी अच्छा है। सूरज के रोशनी में भी टेक्स्ट को पढ़ा और लिखा जा सकता है। फोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर है, जिसके साथ में 12GB रैम की पेयरिंग की गई है। परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहेगा, गेमिंग के लिए अब तक सबसे बेस्ट फोन होने वाला है। नोट 40 प्रो रेसिंग एडिशन में 5000 mAh की बैटरी है, जिसके साथ 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट है। नोट 40 प्रो प्लस रेसिंग एडिशन में 4600 mAh बैटरी है, जिसके साथ 100 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। फोन में OIS सपोर्ट के साथ 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसके साथ में दो और सेंसर मौजूद हैं। फोन में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इनमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC और USB Type-C पोर्ट है। इनमें IP53 रेटिंग है। दोनों ही मॉडल्स में इनहाउस चीता X1 चिप है, जो पावर मैनेजमेंट का काम करती है। दोनों ही फोन में 20 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। सिक्योरिटी के लिए इनमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो फोन काफी बढ़िया है। आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।